अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आज मैं साकिब के साथ हूँ। कैसे हैं साकिब? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी अपनी कहानी सुनाएं, क्या क्या पढ़ाई करी और आजकल क्या कर रहे हैं आप? साकिब मकबूल नाम है। 2016 में अमेरिका आमद हुई थी शादी के बाद, और आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी एंड हैड अ अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान, ICAP, and came here 2016 January, started working as an accountant in Edison, New Jersey, and then moved to insurance company. I'm working in internal audit, senior auditor, aur abhi bahut kuch learn kar raha hu American culture ke bare mein, logon ke bare mein, aur yahan ke rehan sahan ke bare mein. Rehan sahab se ye meri dusri mulaqat hai, mashallah last time ki tarah bhi bada maza aa raha hai मिलके। तो ये बताएं, कराची वाले जो हैं वो ये समझते हैं कि अमेरिका आने के बाद जो है वो दरख्तों पे कहीं सोने की डलियां लटकी होंगी, वो मिली हैं आपको डलियां या नहीं मिली? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है यार, ये तो आई थिंक फिक्शन वाली सारी बातें होती हैं जो बंदा अजम्पशंस की बेस पे क्रिएट कर लेता है, लेकिन ऐसी कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ऐसी बात है, सब मिल जाता है। तो कराची में भी डलियाँ मिलती हैं या सिर्फ अमेरिका में डलियाँ मिलती हैं? दोनों जगह डलियाँ नहीं मिलती हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो सब मिल जाता है। मतलब डलियाँ आप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। आपके दामाद फेसबुक पे आ गए, आप पूरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। एक्चुअली रेहान साहब ने लास्ट टाइम ही मुझसे कहा था कि यू शुड हैव फेसबुक अकाउंट, बट या आई वाज थिंकिंग अबाउट आई डोंट नो व्हाट, एंड देन ही कन्विंस्ड मी, सो आई जस्ट क्रिएटेड द फेसबुक अकाउंट and went live again. Mashallah. अच्छा, राजा मकसूद अख्तर साहब लिख रहे हैं कि बड़ी जिंदगी मुश्किल है यहाँ पर। कहाँ पे? अमेरिका में? ये मैं पिछले दो साल से कोशिश कर रहे हैं, मेरे 500 दोस्त चोरी नहीं कर पा रहे ना। और परेशान रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, डांटते रहते हैं कि यार आप मुझे कुछ देते नहीं है। तो भाई आजकल तो बच्चों को कोई कुछ नहीं देता, मैं तो अपने बच्चों को तो कुछ नहीं देता जब तक कि वो कोई काम वाम ना करें। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप इनसे भी चेकआउट कर सकते हैं, इनको भी कुछ ना कुछ धंधा करना पड़ता है, उसके बाद कुछ मिलता है। अच्छी बात है। तो हाँ, लाइफ जो है उनके ख्याल में पाकिस्तान में टफ है, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में भी मैंने कोई आसान लाइफ तो नहीं देखी यार, पढ़ाई में और पढ़ाई के साथ साथ जॉब करते हुए कोई आसानी तो नहीं थी। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, मेहनत करनी पड़ती है, 9 to 5 जॉब करनी पड़ती है। सब चीज़ें होती हैं कि आप जितनी तालीम हासिल करेंगे, जितनी जदीद टेक्नोलॉजी और तालीम की तरफ आप जाएंगे, और जितना इनपुट एफर्ट्स पुट करेंगे आप अपने करियर में और एजुकेशन में, उतना ही मीठा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन एंड योर हार्ड वर्क। तो पाकिस्तान में लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं या अमेरिका में मेहनत ज़्यादा करते हैं? आई थिंक ये तो माननी पड़ेगी बात कि अमेरिका में लोगों को करनी पड़ती है, पता नहीं ढीले हम लोग क्यों हो जाते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। बहुत सारी चीज़ें हम टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यहाँ पे आके वो सब चीज़ें, वो सब नेमतें जो वहाँ पे हमें अंदाज़ा नहीं होता जिन चीज़ों का, वो यहाँ पे आके एहसास होता है। जैसे यहाँ पे आके लॉन्ड्री भी खुद करनी पड़ती है, ग्रॉसरी भी खुद करनी पड़ती है, अपनी गाड़ी भी खुद धोनी पड़ती है, अपने घर की सफाई भी खुद रखनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हम वहाँ पे टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और उस टाइम को हम मेरे ख्याल से ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाते हैं जिसका कोई प्रोडक्टिव जो है रिजल्ट नहीं आता। यहाँ पे आके फिर हमें एहसास होता है उस वक्त का जो हम वहाँ पे ज़ाया कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक साल हो गया आपको? दो साल हो गए? डेढ़ साल हो गया। मैं पिछले साल आया था जी। ओके, सही। आई डोंट रिमेम्बर द मंथ, कौन सा महीना था? फरवरी या मार्च। ओके, तो एक साल में कुछ आदतें क्या बनाई? आप बेड अपना बनाते हैं या नाश्ता बनाते हैं या बर्तन धोते हैं? बात खाना बनाना एक हद तक सीख लिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेगम माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, तो काफ़ी ज़्यादातर तो वही बना देती है, लेकिन सीख लिया खाना बनाना भी, और ये कि अपने छोटे मोटे काम जो हैं वो खुद मैनेज करना सीख लिए हैं, ग्रोसरीज करना आ गई हैं, और ड्राइविंग नहीं आती थी पाकिस्तान में, अब वो भी आ गई है। टाइम की का डिसिप्लिन नहीं था पहले शायद कुछ हद तक, अब वो भी हो गया है। कुछ चीज़ें कायम हैं अभी तक डिटाइल में। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका आने के बाद जब वो घर का काम खुद करने लगते हैं तो अगर मासी आ भी जाए तो वो नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि खुद ही करें। हाँ, क्योंकि मासियाँ यहाँ पे बहुत महंगी हैं। नहीं,
मैं ये कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब आपको आदत हो जाती है हाथ से काम करने की, तो आप चाहते हैं कि मासी फिर ना काम करे, आप चाहते हैं कि मैं, आप ना करें, मैं खुद ही कर लूंगा। तो ये अभी तक कोई सिचुएशन इस तरह की आपके ऊपर आई है, या आप चाहते कि नहीं बंदा यहाँ पे अपना काम नहीं करेगा तो फारिग बैठा रहेगा? कुछ ना कुछ एक्टिव एक्टिव बंदा यहाँ पे रहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह ड्रामा देखते हैं, यहाँ पे वो सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है ना, कि यहाँ पे बंदा बोर हो जाएगा अगर कोई काम नहीं करेगा तो ला महला उसे मसरूफ रहने के लिए या तो घर के काम करने पड़ते हैं, या तो फिर बंदा जॉब में मसरूफ रहता है। आई थिंक ये मेरा जी आपको फोन बजेगा ना थोड़ी देर अच्छा करता रहे, इट्स ओवरवेलमिंग फीलिंग एक्चुअली जी। तो अच्छा, तो ये बताएं कि चार चीज़ें जिसको सक्सेसफुल होने के लिए पाकिस्तान में बच्चों को करनी चाहिए। आई थिंक चार चीज़ें सक्सेसफुल करने के लिए, अपनी तालीम को मुकम्मल करें, उसको किसी भी स्टेज पे छोड़ें नहीं। ये नहीं कि अगर आपने जॉब शुरू कर दी है तो आप पढ़ाई पे स्टॉप लगा दें। मैंने अपने बहुत सारे कोलीग्स में, बहुत सारे दोस्तों में और करीबी लोगों में ये चीज़ देखी कि जैसे ही वो जॉब की तरफ आते हैं तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं और जदीद तालीम की तरफ अपने जो है ना कदम उनके रुक जाते हैं। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे कि तालीम और आपकी जॉब दोनों साथ साथ चल रही होती है, एक हो गया। दूसरा ये कि वक्त की कदर जो है, मैंने तो बहुत जो है ना दार सी बातें सीखी है यहाँ पे आके, एक डेढ़ साल में पता चल गया कि वक्त की कीमत क्या होती है। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं या दुनिया के जिस खत्ते में भी हैं, वक्त की कदर करना, उसको डिसिप्लिन करें अपने, यानी कि अपनी टाइम टेबल जो है ना बनाएं। तीसरी बात यह है कि जो है, और क्या कहा जा सकता है, दैट्स अ टफ क्वेश्चन, यू जस्ट यू नो पुट मी अ क्वेश्चन टू टेल यू फोर थिंग्स, बट बाकी दो चीज़ें हाँ बिल्कुल सही, गपशप तो लगती रहेगी आगे। तो दोस्तों, आप इनसे आज आपने मुलाकात करी, आप इनको फेसबुक पे ऐड कर लें, और अगर कोई सवाल हो अमेरिका के हवाले से वो भी इनको करें, कराची के ये हैं, और अगर आपके न्यू जर्सी के एरिया में, ब्रंसविक के एरिया में कोई जानने वाले रहते हैं तो इनको टैग करें कि इनके साथ ये चिल कर सकें, मुलाकात कर सकें। और ख़ास तौर पर कराची वाले जो हैं, गीबत करने के लिए दूसरा वाला चल चाहिए होता है, तो वो दिलवाएं इनको। और अगर पाकिस्तानी नहीं भी है, इफ़ यू नो एनी अदर नॉन पाकिस्तानी लिविंग इन द ब्रंसविक एरिया और द न्यू जर्सी एरिया और न्यू यॉर्क सिटी एरिया, बिकॉज इट्स ओनली एन आवर 45 मिनट्स अवे फ्रॉम न्यू यॉर्क सिटी, यू कैन कनेक्ट हिम विद देम सो दैट दे कैन लेयर्स ऑन एंड स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। एंड अगर आपके पास कोई आइडिया है पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिका में बिजनेस करने का, तो इनके साथ बात शुरू करें। ये भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, आप लोग हो सकता है मिलके कुछ कर लें, क्या ख्याल है? जबरदस्त, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आई लिव इन ओल्ड ब्रिज, साथ शेख आपको पहले दोस्त मिल गए। जबरदस्त साथ।